सो अभी हम जो वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पे हम एंड पॉइंट पे मतलब थोड़ी देर रेस्ट करके एंड पॉइंट तक ट्रैक करके अब हम रिटर्न हो रहे हैं घांगरिया के लिए वैली ऑफ फ्लावर को देखते हुए। देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा फूल हैं, ये मतलब हम आप रिटर्न हो रहे हैं मतलब घांगरिया के लिए क्योंकि 5 बजे तक आपको रिटर्न होना होता है, अदरवाइज फॉरेस्ट वाले आपको कॉल करने लगेंगे और शायद आपको ढूंढते हुए वो लोग आने भी लग जाएं इधर को, और फिर आपके पास फाइन भी पड़ सकता है क्योंकि 5 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होता है जो वैली ऑफ फ्लावर का गेट है वहाँ पे। सो अभी चलते हैं धीरे धीरे, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो एक बॉटनिस्ट थी मार्गरेट लेगी, उनकी जो यहाँ पे ग्रेवयार्ड बने हैं, जो भी विजिटर वैली ऑफ फ्लावर में आते हैं वो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी कब्र पर जरूर जाते हैं, वो यहीं पे है वहाँ से थोड़ा आगे। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा कैसी है करके। सो अभी चलते हैं घांगरिया की तरफ वैली ऑफ फ्लावर के नज़ारे देखते हुए, और आप भी इंजॉय करो वीडियो को और इस सीरीज़ को जो वैली ऑफ फ्लावर की एक सीरीज़ है जिसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर। अभी हम रिटर्न हो रहे हैं घांगरिया के लिए, और देखो यार वैली इतनी खूबसूरत है ना, बस मन कर रहा है कि वैली को देखते रहें और यहीं रहें। अगर पॉसिबल होता है यहाँ रहना तो हम यहीं रहते, बट यहाँ पे कोई भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ नहीं है, और वैसे भी ये एक नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क में रुकना वैसे भी अलाउ नहीं होता और बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क है सो इसीलिए, और यहाँ पे भी कुछ है नहीं, बस घांगरिया जो बेस कैंप है वहीं आपको रुकना पड़ता है। देखो यार इतने ज़्यादा फूल है ना, और कितना क्लीन वाटर और कितना क्लीन इन्वायरमेंट तुमने कभी नहीं देखा होगा, तो लाइफ में एक बार वैली ऑफ फ्लावर ज़रूर से विजिट करें, और अच्छा रहेगा कि आप जुलाई से अगस्त के बीच में विजिट करें तभी ये सारे फूल खिले रहते हैं। और हाँ हालांकि थोड़ा मानसून सीज़न रहता है और पहाड़ों पे ऐसे सेब नहीं है, लेकिन ये अगर आपको नज़ारे देखने हैं ना तो ये आपको जुलाई और अगस्त के बीच में ही देखने को मिलेंगे, इतने खूबसूरत और इतने ज़्यादा फ्लावर और इतनी वैरायटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखो इतने खूबसूरत फूल है ना यार, बस मन कर रहा है इनको देखते रहूं। अभी मैं रिटर्न हो रहा हूं बट मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही आज 5 बजे से पहले, सो इसीलिए मैं इनको एक बार फिर से अपने आँखों में और अपनी मेमोरीज में बसा लेना चाहता हूँ। इतने खूबसूरत फूल और इतनी ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। जब भी आप आएँ तो अर्ली मॉर्निंग, जितना आप जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप वैली पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। Thank you.
तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये है जो वैली ऑफ फ्लावर से एक रास्ता जाता है, छोटा सा 500 मीटर की, मेन रास्ते से 500 मीटर की दूरी पे जो मार्गरेट लैगी है, उनकी जो ग्रेवयार्ड बनी है वो इधर साइड को ही बनी है। तो अभी चलते हैं उनकी ग्रेवयार्ड की तरफ और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, और यही हम कर सकते हैं। तो ये है उनकी जो ग्रेवयार्ड है यहाँ पर, जिनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। वो घूमने आई थी और रिसर्च करने आई थी फ्लावर्स पे, वो एक बॉटनिस्ट थी। सो उनकी ये ग्रेवयार्ड यहाँ पे बनी हुई है मार्गरेट लैगी की। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है मार्गरेट लैगी की, यहाँ पे जो बैठने के लिए भी कुछ बना रखे हैं पत्थरों से, तो आप यहाँ पे बैठ के 2 मिनट आप प्रे कर सकते हैं और उनको अपनी ट्रिब्यूट दे सकते हैं। जो लोग इतना सब कुछ करते हैं, वैली में डिस्कवर करने आई थी और वो एक पत्थर से गिर गई थी यहाँ। सो फिर उनको लोकल्स के द्वारा निकाला गया और उनकी बहन के द्वारा बाद में ये ग्रेवयार्ड यहाँ पे उनकी स्मृति में बनाई गई थी। तो हमारी तरफ से भी उनको ट्रिब्यूट है और श्रद्धांजलि है। सो अभी चलते हैं ऊपर को, मेन रास्ते को। सो 1939 में जब मार्गरेट लैगी की यहाँ पर पैर फिसलने से, एक पत्थर से गिर के उनकी मौत हो गई थी, तो तब वो 54 साल की थी। तो उसके बाद 1943 में जब उनकी बड़ी बहन यहाँ पे आई, तो उन्होंने ही इस मेमोरियल का निर्माण किया, इस ग्रेवयार्ड का निर्माण किया यहाँ पे, और तब से ये यहीं पे है। सो ये थी इनके बारे में, मार्गरेट लैगी के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम चलते हैं अपनी आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है घांगरिया। घांगरिया जाने के बाद कल हम जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब जी, तो उसका भी वीडियो आएगा जल्दी ही। तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तो मैं आपको जाते जाते और कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे से प्यारे से फ्लावर के नज़ारे। और अभी भी मौसम देखो पूरा, चारों तरफ बादल लग गए हैं। सो अभी आप इंजॉय करो वीडियो को, और अभी आपको और ज़्यादा दिखाऊंगा, जाते जाते भी आपको कुछ और अच्छे से प्यारे प्यारे फ्लावर और देखने को मिलेंगे। सो चलते हैं अभी और आप इंजॉय करो। वो जो बड़ा पत्थर है ना, वहां
सो फ्रेंड्स, यही वो नदी है जो मैंने आपको दिखाई थी, पुष्पावती रिवर, जो वैली ऑफ फ्लावर से निकलती है। देखो इसका वेग कितना ज़्यादा है आजकल, क्योंकि मानसून अपने पीक पर है और इतना ज़्यादा वेग हो रखा है इसका। देखो ये वहीं से निकलती है जो मैंने आपका इसका एंड पॉइंट भी दिखाया था, ग्लेशियर से निकलती है ये, और फिर इसमें छोटी छोटी धाराएं मिलती रहती है और इसका वेग फिर इतना ज़्यादा हो जाता है। और अभी हम रिटर्न होके बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर के गेट पे। और जो है यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है अभी, सो अभी हम चलेंगे वैली ऑफ फ्लावर, और भूख भी लग गई है। घांगरिया जाके अब खाना होगा, क्योंकि घांगरिया में ही बेस कैंप है, वहीं पे आपको सब कुछ मिलता है। सो अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे। देखो यार कितना ज़्यादा वेव हो रहा है इसका, कोई भी इंसान बह जाएगा इसमें अभी तो। और अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और सारे लोग अब रिटर्न हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग अभी वहीं पर हैं। सो अभी हम भी रिटर्न हो रहे हैं धीरे धीरे से। देखो यार सारे लोग रिटर्न हो रहे हैं मेरे आगे, आप देख सकते हैं। और बारिश भी हल्की हल्की बूंदे आपको दिख रही होंगी, और मैंने छाता निकाल लिया, रेनकोट नहीं पहना है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश में रेनकोट पहनने में थोड़ा असहज होती है। सो यही था वीडियो वैली ऑफ फ्लावर के, यही वीडियोज़ हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो में कमेंट करना मत भूलना कि आप में से कौन कौन यहाँ पे आ रखा है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस मंथ आप आए थे। सो वैली ऑफ फ्लावर मैंने लास्ट ईयर भी ये ट्रैक कंप्लीट करा था और इस साल भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है यार। जितनी बार भी आओगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब बोर हो रहे हो करके। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि हम कई नई जगह पे एक दो बार चले जाते हैं तो फिर हमें मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार मेरे को तो ये जगह काफ़ी शांति, सुकून और रिलीफ देती है। और बारिश अभी हल्की हल्की तेज़ हो रही है। सो अभी चलते हैं घांगरिया की तरफ और वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री गेट पे, अपने जो हमने एंट्री कराई थी वहाँ पे प्लास्टिक व्लास्टिक उनको दिखा के जो भी रहेगा उनको दिखाएंगे। अगले साल फिर से आएंगे इस ट्रैक पे, उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगले साल मैं ट्राई करूँगा फिर से आऊँ, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है। सो लास्ट ईयर मैंने जुलाई में करा था, इस साल मैंने अगस्त में करा है, अगले साल सितंबर में करेंगे, और देखेंगे अलग अलग वेदर में और अलग अलग कैसा रहता है। सो इस वीडियो को यहीं पे करूँगा एंड, और मिलूँगा एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और वैली ऑफ फ्लावर पुनः आपके आगमन में प्रतीक्षा है, और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।